वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हमने बनाई है घर में पाव भाजी, टिक्की रखी है अमूल की बढ़िया, और ये है भाजी, तो बढ़िया से बना रखी है भाजी, और ये है पाव। तो अभी सारा मामला रेडी है और ये मक्खन की टिक्की जा चुकी है भाजी के अंदर गर्मा गर्म, और ये बनाई है इन मोहतरमा ने। तो अभी चिया और लीशु अभी करेंगे यहाँ पर इनकी बाइट और बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। लीशु को आज थोड़ी सी नींद आ रही थी तो मैंने इसको जगाया है दोबारा, और अभी करेंगे टेस्ट और अभी खा के बताएंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। तो आज काफ़ी दिनों बाद घर में पाव भाजी हमने ट्राई की है, तो ट्राई पहले भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं। तो आज हम सब्जी से खाओ भाई, इधर आ थोड़ी यार, रोक बैठ। कैसा है बेटा? अच्छा है। तो ये है बिल्कुल बढ़िया तरीके से पका रखी है भाजी मैडम ने, मस्त। आप भी घर में बनाओ, ट्राई करो और मैं बताऊँ कि कैसे बनती है। किसी को नहीं पता तो भाई साहब आप मैसेज हमें करो कि भैया रेसिपी कैसे बनती है, बाकी यूट्यूब पे आप देख लेना। फिलहाल इस वीडियो को अभी ये करते हैं बंद, क्योंकि अभी हमें अपना एंजॉय करना है पाव भाजी, और नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे कोई नई डिश आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो हम पूरी दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाई घर में, कैसे हमने ट्राई किया, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो को ऐसे लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो छोटी है लेकिन टेस्ट से भरपूर है। तो ये कुछ इस तरह की पाव भाजी है, काफ़ी अच्छी तरह से घोट रखी है मैडम ने, तो अभी मैडम मेरे लिए परोस रही है, उसके बाद अभी करेंगे टेस्ट। फिलहाल पहले बच्चे, उसके बाद फिर हम। क्या? और कमेंट जरूर करना क्योंकि लीशु ने बोला है, तो कमेंट जरूर होना चाहिए भाई हमारे लिए, तो कम से कम लीशु के लिए कमेंट जरूर होना चाहिए। क्योंकि अभी उठी है नींद से, और नींद से बच्चों को उठने के बाद खिलाना बहुत बड़ी महाभारत है,